तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और टीवी की पिक्चर क्लैरिटी दिखाएंगे और 32 इंची की एलईडी की हम बात करेंगे जो कि 15,000 रुपये के अंदर अंदर आपको मिलने वाली है। हायर कंपनी की गूगल टीवी, इसका जो मॉडल रहने वाला है 8200 GT मॉडल हैगा। अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लें, इसके अंदर इस टीवी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हायर कंपनी ने इसमें डाली हैं, क्या स्पीकर दिया है, कैसा स्पीकर है, क्या इसमें गूगल असिस्टेंस है, क्या वॉइस कंट्रोल से चलेगा नहीं चलेगा, HDMI के पॉइंट कितने दिए हैं और इसका जो पिक्चर क्वालिटी रेजोल्यूशन वगैरह है वो कैसा है, पिक्चर क्लैरिटी कैसी है और इसके साथ में और क्या क्या मिलता है एसेसरीज के तौर पर, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, तो इस A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कस्टमर एंड पे सारा कुछ वीडियो शूट हुआ है लेकिन आपके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एलईडी है 32 इंची का हायर कंपनी का, तो अभी फिलहाल मैं अभी मैंने बॉक्स से निकाला है और इसमें जो जैक वगैरह अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है, एथरनेट केबल, ऑप्टिकल केबल और नॉर्मल टीवी जैसे सेटअप बॉक्स को चलाने के लिए जो कि 3 कलर की लीडें होती हैं वो उससे चला सकते हैं। 2 HDMI पॉइंट देख रहे हैं आप, बाकी 1 HDMI पॉइंट साइड में 2 USB जैक आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सारी इसकी कनेक्टिविटी है। तो वहीं इसके स्पीकर की बात करें तो स्पीकर जो है 20 वोट का स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, स्टीरियो साउंड के साथ में आता है। वहीं यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा टीवी को ऑफ ऑन करने के लिए और जो आप वॉल माउंट देख रहे हैं तो वॉल माउंट वगैरह भी मैंने अभी फ़िलहाल में इसको फिक्स कर दिया। वहीं इसके कार्टून वगैरह की बात करें तो कार्टून पे कुछ इस तरीके की आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, हाई टीवी और गूगल टीवी देखने को मिलेगा और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का मतलब आपको जो है 32 इंच का LED मेड इन इंडिया देखने को मिलेगा। बेजल्स बहुत कम होंगे, DVX TV का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डॉल्बी ऑडियो देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये जो DVX TV अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसमें जो है सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इस सभी को हम लोग अब इंस्टॉल करने वाले टीवी कस्टमर के घर पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वॉल माउंट टीवी के अंदर नहीं निकलता है, टेक्नीशियन जो है वो लेकर के आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अब रिमोट कंट्रोल की बात करें तो रिमोट कंट्रोल आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इतना बड़ा रिमोट है थोड़ा साइज में, बाकी काफ़ी सारे बटन्स दिए हुए हैं। हालांकि ये रिमोट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है छोटे वाले रिमोट से, क्योंकि उसमें बटन कम होते हैं, दिक्कत होती है। तो वॉल माउंट हम लोग कुछ इस तरीके से कस्टमर की दीवार पर लगा देते हैं और यहाँ पर बस टीवी लगा देंगे कुछ इस तरीके से और ये जो है चालू हो जाएगा। इसमें जो है आप टीवी लेते हैं तो सेटअप करना पड़ता है, सेटअप का मतलब है आपको Gmail ID वगैरह से लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो टीवी है कुछ इस तरीके का दिखने वाला है और इसमें सारा कुछ जो है हमने सेटअप कर दिया है कस्टमर की Gmail ID से और उस चीज़ से सभी चीज़ से जो है लॉगिन कर दिया है। इसमें अगर हम रैम की बात करें तो जैसे ये लोग वेबसाइट पर लिखते हैं 1.5 GB की इसमें रैम देखने को मिलेगी और रोम की बात करें जो कि 8 GB की रोम देखने को मिलेगी। इसका वज़न की बात करें तो वज़न इसमें मतलब 4 किलो के समथिंग आपको देखने को वज़न मिलेगा। 1+1 की वारंटी मिलेगी, कई बारी ऑफर में इस पर 1+2 की वारंटी देखने को मिलती है, ठीक है जी। और उसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन देखें तो HDR जो है 10 है और इसका जो पैनल है HD रेडी है, ठीक है जी। बाकी पिक्चर जो क्वालिटी HDR 10 पे चलेगी और इसका जो पैनल जो स्क्रीन जैसे बोलते हैं ये HD रेडी इसे बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, गूगल असिस्टेंस है, इसमें बोल करके कुछ भी निकाल सकते हो। बाकी आप एंड्रॉयड 11 पे ये वर्क करता है पूरा टीवी, नया सॉफ्टवेयर पे ये चल रहा है। वहीं इसमें अगर मैं आपको रैम वैसे दिखाऊं इसकी सेटिंग्स में ले जा करके तो यहाँ पर स्टोरेज पे ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4.3 इंटरनल स्टोरेज, ठीक है जी। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐप इसमें डाउनलोडेड है, टोटल 8 GB होती है, 8 GB में ये जो है वो और भी ज़्यादा ऐप जो है वो डाउनलोड हो गए तो इसलिए थोड़े ऐप जो है रैम में वो कम दिखा रहे हैं। बाकी क्रोमकास्ट इसमें कर सकते हैं, क्रोमकास्ट का मतलब है जैसे कि आप फ़ोन को कास्टिंग वगैरह करते हैं तो कास्ट अपने कर सकते हैं अपने फ़ोन वगैरह को। बाकी इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, अगर आपका कोई कन्फ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इसकी वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी आपको शोरूम वगैरह पर किसी पर आप जाते हैं वहाँ से भी आपको ये टीवी देखने को मिल जाएगा। पिक्चर क्लैरिटी कलर्स की बात करें तो 15,000 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। 1080 पिक्सल्स पे ये जो है टीवी चलने वाला, वर्क करने वाला है, ठीक है जी।
तो फुल एचडी में ये चला करके देखा फ़ोन के इंटरनेट से, ये जो टीवी चल रहा है फ़ोन के इंटरनेट से चल रहा है, तो आप भी ऐसे चला सकते हैं।